अयोध्या में हार के बाद अब संतों पर ही एक्शन ले रही योगी सरकार। अखिलेश यादव ने किया खुलासा और बीजेपी की मंशा से उठा दिया पर्दा। हनुमानगढ़ी के संत पर जब हुआ सरकारी एक्शन तो फिर उठने लगे सवाल। किसी ने कहा यह गलत है तो किसी ने कहा ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन क्यों? सपा चीफ ने इशारों इशारों में ऐसा लपेटा कि सत्ताधारियों की निकल गई हवा। संतों का सम्मान करने वाली पार्टी आखिर ऐसा कैसे कर सकती है? अयोध्या लोकसभा सीट पर हार के बाद से बीजेपी नेता तमाम तरह से आवाम पर आरोप लगा रहे हैं, तो समर्थक भी आवाम को भला बुरा बोल रहे हैं। और अब हनुमानगढ़ी के संत के खिलाफ जो एक्शन लिया गया है उसको लेकर सवालों का दौर जारी है, साथ ही तमाम आरोप भी लगाए जा रहे हैं। हनुमानगढ़ी के संत राजूदास के गनर को जब से हटाया गया है तब से हल्ला मचा हुआ है, और अब पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा है और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए जो कहा उसने तो सबकी बोलती बंद कर दी। अखिलेश यादव ने बिना नाम मेंशन किए लिखा कि बीजेपी अयोध्या में हार का बदला साधु संतों से ना ले, जिन्हें वाकई में सुरक्षा की जरूरत हो उन्हें सुरक्षा की समीक्षा की जाए और उसके बाद सुरक्षा दी जाए। पार्टी की समीक्षा के दौरान डीएम अयोध्या नीतीश कुमार ने राजूदास को फटकार लगाई थी। राजूदास परिणाम आने के बाद से डीएम के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। मंत्री सूर्य प्रताप शाही और जयवीर सिंह के सामने समीक्षा चल रही थी, तभी डीएम और राजूदास में कहासुनी हो गई। मंत्री के सामने डीएम ने राजूदास को बहुत डांटा और वहीं से आदेश किया कि महंत की सुरक्षा को हटा लिया जाए। मामला और ज्यादा उलझ गया। हालांकि राजूदास यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते हैं, उनके साथ ऐसा हुआ इसको लेकर हर कोई हैरत में है और सवाल किया जा रहा है कि जो संत सीएम के इतने करीब है उन्हीं की सुरक्षा को हटाने का आदेश जारी कर दिया गया, आखिर ऐसा क्यों किया गया? तो वहीं सोशल मीडिया पर इसको लेकर अलग अलग तरह से प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। कोई राजूदास को संत नहीं ढोंगी बता रहा है तो कोई राजूदास को सियासत करने वाला संत बता रहा है। सब अलग अलग तरह से इस मामले में अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन सपा का कहना है कि जो हुआ वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन बीजेपी जो कर रही है इसमें बीजेपी की नीयत में खोट है, क्योंकि बीजेपी अयोध्या में हार का बदला ले रही है, जबकि हार जीत का फैसला तो आवाम के वोट पर आधारित है। अब जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं उनसे हल्ला बोल की स्थिति दिखाई दे रही है। क्या वाकई राजूदास को सियासी तौर पर निशाना बनाया जा रहा है, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से वो निशाने पर आ गए हैं और वो दोषी हैं? आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन फिलहाल ये मुद्दा सियासत में आने के बाद से लगातार सुर्खियों में है और अब एक के बाद एक सवाल उठाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने जब से इस मामले को लेकर ट्वीट किया है, हालांकि उन्होंने राजूदास का नाम मेंशन नहीं किया, लेकिन फिर भी इस ट्वीट को उन्हीं के साथ जोड़ा जा रहा है और इस मामले से लगातार अब सनसनी का माहौल बनता जा रहा है। राजूदास के गनर को क्यों हटाया गया, इसके पीछे की मंशा क्या है और किसके कहने पर हटाया गया, ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन समाजवादी पार्टी के ट्वीट के बाद दावा किया जा रहा है कि यह सब बीजेपी के इशारे पर हुआ है और बीजेपी इसे सिरे से नकार रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।